उन्नाव जनपद के भगवंत नगर विधानसभा के बक्सर घाट पर मंडलायुक्त मुकेश मिश्रा और गंगा रथ यात्रा दल के आगमन को लेकर किया निरीक्षण, जहां पर मौजूद रहे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह, सीडीआई राजेश प्रजापति, उप जिलाधिकारी दयाशंकर पाठक, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना, लेखपाल संजीव पांडे नया, तहसीलदार सुदीप वाजपेयी मौके पर रहे। डीएम के निर्देश पर पॉलिथीन प्रतिबंधित होने के बाद छापेमारी किए के निर्देश। यात्रा है उसके दल अलग अलग, ताकि एक जागरूकता फैलाई जाए लोगों में, और जो यह मात्र नदी नहीं है, यह धरोहर है राष्ट्र की, साथ ही साथ इससे बहुत बड़ा जनसमुदाय जुड़ा हुआ है, उनकी आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक हर प्रकार की जो विचारधाराएं हैं इसी से प्रस्फुटित हुई है। इसलिए किस तरीके से लोगों को अब एक अवेयरनेस क्रिएट करके जल का महत्व और साथ ही साथ जल से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब की महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्थापित करें, हम पुनः लोगों के बीच में जाएं, इसके लिए ये गंगा यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, यहां पर 30 जनवरी को वह यात्रा का दल यहां पहुंचेगा और उनका यहां रात्रि विश्राम है। लोगों के साथ में उनकी बातचीत होगी, संवाद स्थापित होगा, वो लोगों से चर्चा करेंगे, बताएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे नदी की महत्ता के बारे में और नदी के प्रति जो सम्मान और गरिमा है उसके बारे में। जनसभा भी आयोजित होगी, लोग यहाँ पर रुकेंगे, आम जनता से जो आसपास के लोग आएंगे उनको बताएंगे, जो नदी के दोनों तरफ गांव पड़ते हैं जी, उन तमाम ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता के कार्यक्रम, वृक्षारोपण के, पर्यावरण संरक्षण के और जल संरक्षण के, जो भूमि का जल स्रोत है और जो हमारा जल स्तर है बड़े तेजी से गिरता जा रहा है जी, आगे आने वाली यह एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से एक मंत्रालय स्थापित किया है, जल शक्ति, जल और ये जल शक्ति है ना, देखिए जल शक्ति जन शक्ति से कैसे जुड़ कर के एक बड़ी आर्थिक स्थिति को स्थापित कर सकता है, ये सोचने की बात है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को